प्रभु के नारी बंसी बोले में तो मुरारी ये सारी नहीं है मुझे पर ध्यानी है ये देरिया आसावन ये सखी गजब सुनावन अकेला न पानी पानी हो ना भादो के रतिया भमा मन लागे भादो के रतिया भमा मन लागे बदरी घेरे अधियारी हो आ चढ़ी के ही मास कुआर जब अले ना ओ बारामासा गले ना ये आदमी ऑफिस वालों अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो इनके ऊपर आप एक्शन लीजिएगा। ये लैपटॉप लेके बैठते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस का काम करने और फिर बोलते हैं एक घंटे सो जाऊंगे और मेरा एक काम अगर मैं बोल दूँ करने के लिए तो ऐसे देखते कहते हैं मुझे ऑफिस का काम करना है, मेरा काम पेंडिंग है और बोलते हैं घंटे सो जाओ। सो गाइज आज है घर पे कोई भी नहीं, फिर से हम अकेले पड़ गए हैं। आज हम फिर से अकेले हैं, जैसे कि बताया आप लोगों को मम्मी गई हैं लखनऊ कानपुर गई हैं कि लखनऊ गई कहाँ गई लखनऊ ब्लॉग बन चुका है इससे पहले वो चला जाएगा। तो मम्मी गई हैं लखनऊ और भाभी आज गई हैं अपने मायके कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम था तो उन्हें अर्जेंट में जाना पड़ा तो वो अपने मायके गई हैं, आ जाएंगी शाम तक। हाँ मतलब इम्पॉर्टेंट ही काम है ना, वो मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी को देखने गई हैं। आप मेरा आप क्यों है क्या है इम्पोर्टेंट काम और पेरेंट्स को देखने जाने में कोई डिफरेंस नहीं काम मतलब, है पेरेंट्स को देखने जाने में इम्पोर्टेंट है ना इसीलिए। तो आज हम घर पे अकेले हैं और हम जा रहे पापा जी हैं, पापा जी का मैंने गाना सुना दिया, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो ठीक है, मुझे ब्लॉगिंग करने दो, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप मेरे रूम का हाल, जो कि आप हमेशा कमेंट में बोलते हैं कि आप लोग अपना घर इतना फैला के क्यों रखते हो। तो हमारे घर में दो छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें, हमारा घर फैला रहता है, बच्चे दो नहीं हैं, हम भी हैं, हम खुद मैं खुद सारा कुछ फैला के रखती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने और खाने में बनने वाला है प्याज आलू और टमाटर। मैंने तो ऑन नहीं किया, मैंने इतना कुछ बोल लिया, इतना कुछ रिकॉर्ड हो गया और मैंने ऑन नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, तो बहुत हो गया मजाक। अभी प्रिंसेस को पापा जी को पास दिया हुआ है, पापा जी ने पकड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने। तो दोपहर में हम कुछ भी नहीं बनाने वाले, नमकीन चावल मेरे यहाँ पे बोलते हैं और भी बहुत सारे नाम है इसके, आप लोग क्या बोलते हो? वेज बिरयानी ये ज़्यादा है, वो वेज बिरयानी नहीं बोलते हैं, कुछ और ही बोलते हैं, तहरी भी बोलते हैं इसको, बताओ ना क्या बोलते हैं, तो बन जाएगा, बताओ तो सही। पुलाव, हाँ ये पुलाव बोलते हैं हमारे यहाँ, वो वाइट वाले चावल होते हैं ना उसका पुलाव बोलते हैं। तो अभी मैं इसको जल्दी से कट कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी छोटा सा, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी एंड आज का डे शेयर कर, क्योंकि मैं प्रिंसेस के कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, वो सुबह से ऐसी थी मालिश करने के बाद, तो वो मालिश हो गया था उसका, उसके बाद वो ऐसी ही थी तो उसको कपड़े वगैरह पहना रही थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसको कट करूँगी, उसके बाद किचन में और बनाएंगे आज का दोपहर का खाना। किचन में जाने से पहले मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने एंड मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये प्रोडक्ट शेयर करने के लिए। तो मेरे पास है एक्वा रेंज, ममा अर्थ का एक्वा रेंज, जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है एंड गाइस इसकी जो पैकेजिंग है ना
सुपर्ब है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इन तीनों प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करूँगी। मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स है, फेस वॉश, सीरम एंड मॉइस्चराइजर, और तीनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको यूज़ करके इनके बेनिफिट पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर बाकी की बातें करती हूँ। तो देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा सुंदर है, इस तरीके का मिलता है आपको। आप अपने फेस को अच्छे से ऐसे करके रब कर सकते हो, जिससे कि स्क्रब भी हो जाएगा इसी से, इसी की हेल्प से, और फेस वॉश भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी आपको। तो यहाँ रख देते हैं अपने फ़ोन को एंड कर लेते हैं फेस वॉश राइट ऑन। सो ये ममाअर्थ का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, एक्वा ग्लो फेस वॉश विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए ये फेस वॉश बेस्ट है, इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, सूट ऑल स्किन टाइप है, और ये बूस्ट करता है हाइड्रेशन को एंड नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है इसमें, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है। तो कर लेते हैं पहले फेस वॉश। इस तरीके का ब्रश है, देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है ये, मतलब आपके जो स्किन है उसको अच्छे से स्क्रब के साथ ये फेस वॉश कर सकते हो। तो आपको करना कैसे है, इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा ऐसे करना है एंड देख सकते हो, एंड आप अच्छे से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करके और फेस वॉश कर सकते हो। क्वांटिटी है वो 100 ml है, ये हेल्प करता है आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने में, एंड साथ ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें एंड बूस्ट हाइड्रेशन हाइड्रेट। सो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है आफ्टर फेस वॉश, मैं यूज़ करूँगी ये सीरम, और इसकी भी पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये भी ममाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस सीरम है विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर 72 hours हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, और इसकी पैकेज मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। सीरम हमारे फेस के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है यूज़ करना, आपको यूज़ करना चाहिए, और मैंने इसे फर्स्ट टाइम सुना है 72 hours हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, एंड आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड, ग्लो आ गया, हाइड्रेट कर रहा है अपनी स्किन को, पूरे स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व। ये जो सीरम है इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, 30 ml में आपको ये सीरम मिल जाएगा। ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को फ्रेश एंड प्लम्प करता है, एंड साथ साथ प्रोमोट्स करता है स्किन सेल को, और रिस्टोर करता है रेडिएंट स्किन को, नो पैराबेन, नो हार्मफुल केमिकल, किसी भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, 72 hours हाइड्रेशन। तो मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये मेरा जो थर्ड स्टेप है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ग्लास में है ये पैकेजिंग, और ये ममाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस जेल फेस मॉइस्चराइजर है, ये 72 hours हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए 15 years से ज़्यादा के जो भी हैं, मेंस एंड वुमेंस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो लगा लेते हैं फटाफट से, कि यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को, 72 hours हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, एंड साथ ही साथ लाइट वेट जेल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को, और स्किन को फ्रेश एंड प्लम्प बनाता है। एंड कंपनी का फोकस है कि कैसे हिमालयन स्प्रिंग वाटर को एक मिरेकल पोशन माना जाता है उन लोगों द्वारा जो कि स्प्रिंग वाटर से बात लेते हैं। अगर हम स्प्रिंग वाटर का एग्जांपल की बात करें तो हम नाम लेंगे मणिकर्णा, खीर गंगा, गौरी खंड का, जिनसे हमें स्प्रिंग वाटर मिलता है जिसमें बहुत सारी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड इसी के साथ आप सोच सकते हैं कि एक्वा ग्लो रेंज जो कि प्योर स्प्रिंग वाटर से बनते हैं, सोर्स किया गया है हिमालय से, कितने हेल्पफुल होगी हमारी स्किन हाइड्रेशन एंड हीलिंग के लिए, है ना। प्यारी सी जो फ्रेग्रेंस है, बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सी है, और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मॉइस्चराइज़र, और स्पेशली इसकी पैकेजिंग। तो ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है गाइस, आप लोग ले लेना, मैं ना डिस्क्रिप्शन में इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, तो अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो NIKU2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड ममाअर्थ के गुडनेस पॉइंट्स भी हैं। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं।
प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे ममा अर्थ से, तो आपके ऑर्डर को ममा अर्थ की वेबसाइट पर एक ट्री से लिंक किया जाएगा जो कि प्लान करेंगे आपके बिहाफ पर। और ममा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के अंडर 2025 तक ममा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे। ममा अर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड ममा अर्थ का ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सो गाइस, आप भी ममा अर्थ का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको ममा अर्थ की सेल्स के बारे में, इसके अलग अलग ऑफर्स या फिर डिस्काउंट्स के बारे में बिल्कुल टाइमली पता चल जाएगा, जो कि हो सकता है दूसरे और किसी ऐप पर अवेलेबल ना हो। सो फटाफट से ऐप डाउनलोड करें एंड ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स उठाएँ। अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी, पता नहीं जो जिसके लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो आप बोलना। तो मैं जा रही हूँ बनाने। मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और क्या आलू कट कर लिया है। अब मैं चावल को भिगो लूँगी और पहले सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, प्याज वगैरह को अच्छे से मिला लूँगी, और जब वो रेड हो जाएगा, भुन जाएगा, रेड हो जाएगा हल्का ब्राउनिश, तो उसके बाद चावल डाल दूँगी एंड थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, फटाफट से बन जाता है एंड टमी भी भर जाता है। कि मैं बहुत सारा दाल चावल वगैरह ये सब बनाना नहीं था अभी मेरे को, क्योंकि हमने लेट नाश्ता किया था, तो हमें कुछ हल्का सा खाना था, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। इसमें चावल रख के भिगो ले रही हूँ, उसके बाद तो मैं चावल को थोड़ी देर तक ऐसे ही भिंगो के पानी में रख लूँगी, जिससे तो भींगा हुआ चावल का अगर बनाओगे तो आप बहुत ही अच्छा दिखता है, मतलब ऐसे हल्के हल्के अलग अलग बिखरे बिखरे से दिखते हैं चावल, चिपकते नहीं हैं। तो इसलिए हम कभी भी चावल बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, पहले 5-10 मिनट उसको भिंगो के छोड़ देते हैं। फिर इसमें मैं कुकर में ऑयल डाल लूँगी एंड ये मैं लहसुन के थोड़े से कट करके डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है लहसुन का फ्लेवर। एंड देन मैं यहाँ पर नमक और लाल मिर्च पाउडर और बस इतना ही को डालूँगी, कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। एंड प्याज, लहसुन और जो भी टमाटर, हरी मिर्च ये जब कट किया था वो सब डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एंड जो उसके बाद जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें डाल लूँगी और कुकर को ढक्कन से बंद कर दूँगगी एंड कम से कम 2 या 3 सीटी लगेगी तब भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसमें अच्छे से पानी डाल लूँगी और पानी डालने के बाद कलर देख सकते हो आप इस तरीके का निकल के आएगा और बहुत टेस्टी लगता है। मैंने आलू भी कट किया था, मुझे आलू भी अच्छा लगता है इसमें, तो आलू भी डाल दिया था। क्विक रेसिपी है, बना सकते हैं। इनका नाम का है लक्ष्मी नाम पापा जी और ये कुछ ना रख ले रहा नहीं अरे का सोनची रहिया सोना सोनची रहिया सोनची रहिया सोनची रहिया एक सोन। सो गाइस, बन गया मेरी खिचड़ी जो भी बोलोगे बन गया। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती, छोटा बच्चा है। वैसे तो मेरा बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं करता है, मुझे मेरा बेबी बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत नींद तो रात में बार बार टूटती है, उसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है। एंड आईब्रोज भी इतनी बड़ी बड़ी आ गई है। बहुत सारे लोग, पता है कुछ लोग होते हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले, वो ये बोलते हैं कि आप डिलीवरी के बाद बहुत गंदी लग रही हो। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट में बोला, मुझे बुरा लगा, थोड़ा सा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं। मैं डिलीवरी के बाद अगर बुरी लग रही हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं बुरी लगी अच्छी लगूँ। आपको क्या करना है भाई जो आप ऐसे कमेंट करते हो, मुझे वैसे ही नहीं फ़र्क पड़ता। बस ऐसे ही मन में आया तो इसलिए मैंने बात कर लिया, वरना मैं बात भी नहीं करती। तो बन गया मेरा खिचड़ी, अब हम थोड़ी देर में खाएंगे। पतिदेव 1 घंटे सोने के चक्कर में फिर से सो गए हैं 1 घंटे। मैं जगी हुई हूँ, पापा जी को पापा जी ने प्रिंसेस को ले रखा है और मैं अकेले हो रही हूँ बोर, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग कर लेते हैं, आप सबसे बातें कर लेते हैं। एंड मैं बहुत जल्दी अपना हाउस टूर कराने वाली हूँ, यस। एंड ये भी बताने वाली हूँ कि ये रेंट का घर है या हमारा अपना घर है। मेरी ये रिंग ना मैंने बहुत टाइम मतलब बाद पहनी है, मैं हमेशा कभी आती जाती हूँ तो ही ये रिंग पहनती हूँ, वैसे घर में नहीं पहनती, बट ये रिंग मुझे बहुत पसंद है। ये रिंग मुझे दी थी मम्मी ने शादी से पहले, मैं जब पापा जी की रिटायरमेंट पार्टी में आई थी, तब शादी से पहले मैं आई थी, पापा जी जब रिटायर हुए थे तो एक पार्टी थी, तो पापा जी के ऑफिस जाके लेने गए थे तो मैं भी गई थी लेने। पापा जी का मतलब सपना था कि उनकी बहुए, उनका पोता, उनके बेटे, और वो पीले वाला वो भी काट लेती, तो हम सब जाएं उनको ऑफिस से लेने, तो हम सब गए थे।
तो उसी टाइम पे मैं आई थी तो मम्मी ने मुझे ये रिंग गिफ्ट की थी और ये रिंग बहुत प्यारी लगती है, मैं इसलिए इसे पहनती ही नहीं हूँ, बट अब मैंने सोचा कि इसको मैं पहन जाती हूँ, क्या करूँगी रख के, संभाल के रख के क्या करूँगी, तो इसलिए मैं अब इसको पहन रही हूँ। आप लोगों को कैसे? सो भाभी आ गई थी शाम को, फिर हम अपना शाम का किचन का काम निपटा रहे थे और हम दोनों मिलके ऐसे ही काम करते हैं। पहले मैं नहीं शेयर करती थी किचन का काम, क्यों वैसे मैं करती भी नहीं थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी टाइम चल रही थी एंड तबीयत वगैरह को लेके, तो ज़्यादातर भाभी ही करती थी, मैं बहुत कम करती थी। बट अब मैं भी करने लग गई हूँ तो हम साथ में मिलके अपना ऐसे ही काम फटाफट से कर लेते हैं।